हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आज के नए टॉपिक पर। ये मैं एक ग्रुप के ऊपर बताऊंगा जो ग्रुप से इंडिया को बहुत फ़ायदा हो सकता है। ये ग्रुप किस लिए बनाया गया है, क्या है, ये सब के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। ये ग्रुप का नाम है द क्वाड, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। क्वाड्रिलेटरल मतलब चार, कोई चार कंट्री इसमें मिले हुए हैं। पहला है इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, द यूनाइटेड स्टेट्स। अच्छा, ये चारों कंट्री ने जब इंडियन ओशन में एक सुनामी आया, जब सुनामी आया था तब इन्होंने मतलब एक गठन किया, ग्रुप बनाया इन्होंने, ताकि मतलब वो मैरीटाइम सिक्योरिटी को वो ज़्यादा प्रायोरिटी दे सके। मतलब कोई भी नेचुरल डिजास्टर हो वो उसको वो मिलके वो उसको कंट्रोल कर सके, वो उसको मिलके दे कैन फेस इट, दे कैन सॉल्व इट। तो ये उद्देश्य से दे मेड इट। देन क्या हुआ, वो इंडियन जब अर्ली इटरेशन मतलब अर्ली सोच लोग का था कि मैरीटाइम सिक्योरिटी ये दें, लेकिन आस्ते आस्ते क्या हुआ, ये जब कंट्रीज मिलने लगे तो इन्होंने फिर आगे चल के सोचा कि हम क्वाड प्लस करके एक मेंबर बनाए, मतलब इसमें हम और सब कंट्रीज को जोड़ें, जैसे साउथ कोरिया और छोटे छोटे कंट्रीज जो हैं उनको जोड़ें, साथ में लें, ताकि और इफेक्टिवली इंडियन पैसिफिक ओशन को दे कैन सिक्योर, दे कैन यूज दैट ओशन फॉर देयर पर्पस ऑफ बिजनेस, देन देयर पर्पस ऑफ यू कैन से ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस ऑफ देयर मिलिटरीज एंड ऑल दोज थिंग्स, उसके लिए उन्होंने सोचा। लेकिन ये सब खटका किसको जाके, चाइनीज लोगों को, चाइना को जाके खटक गया। तो उन्होंने उनका चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ने तुरंत ही बोल दिया, मतलब क्वाड को लेके हेडलाइन ग्रैबिंग आइडिया, मतलब ये जो द क्वाड जो बना है, ये क्वाड्रिलेटरल अलियंस, ये एक हेडलाइन ग्रैबिंग आइडिया है। तो उनका दिमाग एकदम खटक गया कि ये सब ग्रुप गठबंधन कर दे रहे हैं हमारे खिलाफ, एंटी चाइनीज ये सब बन रहे हैं, हमको नहीं मिला रहे हैं तो हम इसके अगेंस्ट में स्टैंड हो गए। तो ये पसंद नहीं आया चाइना को। लेकिन इनमें आप बोल सकते हैं इनका मेन फोकस रहेगा क्वाड का, अभी तो फिलहाल COVID-19 क्राइसिस के ऊपर है, उसका जो वैक्सीन फॉर्मेशन डेवलपमेंट उसके ऊपर उनका मेन फोकस अभी है। नेक्स्ट फोकस इन लोग का रहेगा क्लाइमेट चेंज, ये जो सुनामी, अर्थक्वेक, ये सब जो आ रहा है, वो जो क्लाइमेट चेंज के वजह से जितना भी क्राइसिस आ रहा है, वो उसको कैसे पहले से जान के टैकल कर सके एंड ऑल, कैसे मिलके इसको ओवरकम कर सके वो सिचुएशन को, उसके ऊपर दे विल वर्क। नेक्स्ट हुआ साइबर स्पेस सिक्योरिटी। आजकल इंटरनेट का दुनिया है, टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस हो रहा है, तो इसके वजह से क्या हो रहा है, वहां पे इंटरनेट में ठकाई होना चालू हो गया। किसी का आप सुनते होंगे कि फोन आ रहा है, आप ओटीपी दे दीजिए, आपके अकाउंट में इतना होगा, तुरंत से पैसा कट जा रहा है। किसी का भी आपने सुना होगा कि अकाउंट से पैसा कट जा रहा है, वो होता है साइबर सिक्योरिटी प्रॉब्लम, वहां पे साइबर थ्रेट आने लगता है। तो ये टॉपिक में भी वो लोग काम कर रहे हैं ताकि वो अपना साइबर स्पेस को सिक्योर कर सके, मोर सिक्योर कर सके, एक के लिए दूसरा काम कर सके। तो ये आइडिया पे वो लोग आ रहे हैं। नेक्स्ट हुआ सिक्योरिटी इन द इंडो पैसिफिक ओशन, आप बोल सकते इंडियन पैसिफिक ओशन जो है वो कंप्लीट ओशन को वो कवर कर रहे हैं, वो वहां का सिक्योरिटी के ऊपर भी ध्यान देंगे। अब ये खटकेगा किसको जाके, आपको पता है कौन से कंट्री को ये खटकने वाला है, लेकिन मेरा अपना सोच है यहाँ पे कि ये बहुत ही अच्छा गठबंधन इन्होंने बनाया हुआ है, अच्छा ही ग्रुप इन्होंने बनाया हुआ है, और ये अच्छा से काम कर सकते हैं। लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि अपना ये एक ठो खुद का सेक्रेटेरिएट बना लें, और एक तो परमानेंट डिसीजन मेकिंग बॉडी इन्होंने बनाना है। ये दो चीज ये बनाएं और फिर ये रूल्स सामने लाएं, तो फिर ये कंट्रीज एक साथ आए या फिर अपना और अलियंस ले क्वाड प्लस करके, तो भी ये सभी को फायदा देने वाला है। अगर ये इंफॉर्मेशन से आपको कुछ सीखने को मिला, आपको कुछ जानने को मिला, देन काइंडली कमेंट एंड डू विजिट माई डिस्क्रिप्शन सेक्शन। थैंक यू।